दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना नया मिड रेंज कंटेंडर जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M31S। और ये सैमसंग की तरफ से दावा है कि 20,000 रुपए की रेंज के आसपास में ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है। और बहुत सारे जो है वो वीडियोस भी आने लगे हैं यूट्यूब में जिसके अंदर ये साबित किया जा रहा है कि मिड रेंज के अंदर शायद ये सबसे अच्छा मोबाइल है। क्या ये रियलिटी में भी ऐसा ही है? धोखा ना खाइयो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वाणी, जहां पर आज हम बात करेंगे कि क्या सैमसंग एक्सिनोस 9611 के साथ 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 19,500 रुपए में आज के सिनेरियो के अंदर अपने आप को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। साथ ही एक फेयर कंपैरिजन भी कर देंगे सैमसंग गैलेक्सी M31 के साथ। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी से। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अपग्रेड तो नहीं किया गया है। 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलती थी सैमसंग गैलेक्सी M31 के साथ। अब मैं M31 और M31S बोलूँगा, बार बार ही सैमसंग गैलेक्सी बहुत लंबा नाम हो जाता है। तो M31 के साथ आपको देखने को मिलती थी 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ। वहीं पर 6.5 इंचेस की आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले सेम गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ M31S में देखने को मिल जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि M31 के अंदर आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहीं पर S वाले मॉडल में आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल की जो है वो सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो फेस अनलॉक का काम भी करती है। अगर मैं बात कर लेता हूँ बैक की, तो दोनों में ही आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि अब डिज़ाइन नए डिज़ाइन का ज़माना है तो ग्रेडियंट फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी जो M31S है इस मॉडल के अंदर ही। सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करूँ तो जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा नए मॉडल M31S के अंदर, वहीं पुराने में आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। और जो सामने 32 मेगापिक्सल का कैमरा है वहां पर आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करें अगर कैमरा डिवीजन की, तो यहां पर सैमसंग ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है M31S के कैमरा को। और यहां पर एक अजीब विडंबना भी आपको देखने को मिलती है कि M31 के अंदर आपको जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, वहां पर सैमसंग GW1 का सेंसर देखने को मिलता है। तो उसको सैमसंग खुद ही बेकार बता रहा है, उसको सैमसंग बोल रहा है कि भाई सैमसंग के इतने अच्छे सेंसर नहीं होते हैं कैमरा के, हम अपनी कंपनी की गलती खुद ही मान लेते हैं। तो M31S के अंदर ये बोलते हैं कि यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल का सेंसर सोनी IMX682 का सेंसर देखने को मिलता है 1.8 के अपर्चर के साथ। वैसे दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आप अच्छी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं तो दोनों ही कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल के हैं। ठीक ठाक आउटपुट दोनों में आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के अंदर, जहां पर M31 के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, वहीं पर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा M31S के अंदर। बाकी के जो दोनों कैमरास हैं 5-5 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग कैमरा, दोनों ही फोन के अंदर आपको सेम देखने वाले हैं। बाकी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काफ़ी सारे कैमरा अपग्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे M31S के अंदर, जो मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि दूसरे फोन्स के अंदर भी जल्दी ही सैमसंग के मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे कि बहुत सारे आपको कैमरा फिल्टर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप कैमरा को स्विच कर सकते हैं वाइल रिकॉर्डिंग फ्रंट और बैक में। एक बिल्कुल नया फंक्शन सिंगल टेक का देखने को मिल जाता है, जहां पर लगभग 10 फोटोज और वीडियो के आउटपुट आपको देखने को मिल जाते हैं एक ही टेक में। और इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स, बेस्ट मोमेंट, स्मार्ट क्रॉप, ओरिजिनल वीडियो, हाइपरलैप्स और बूमरैंग की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा बेटर लग रहा है, तो उसके हिसाब से एक ही क्लिक के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो बेस्ट पिक्चर आपको चूज करना आसान हो जाएगी। दूसरा अपग्रेड मैं मानता हूँ चार्जिंग के अंदर हुआ है, जहाँ पर दोनों ही फोन्स के अंदर आपको बैटरी तो 6000 mAh की देखने को मिलती है, लेकिन M31 के अंदर आपको 15 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, वहीं पर थोड़ी जल्दी आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी 25 वॉट के चार्जर के साथ M31S के अंदर। बात करूँ अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है सैमसंग के वन UI के साथ, जहाँ पर आपको उल्टे सीधे ऐप्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, जिसकी डेफिनेटली तारीफ करनी चाहिए। और सैमसंग का एक बहुत ही बाहुबली, बहुत ही शक्तिशाली ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सैमसंग एक्सिनोस 9611, जो कि सैमसंग 10,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक के अपने सभी फोन्स के अंदर लगभग यूज़ करता है, यहाँ तक कि जो टैबलेट्स आ रही हैं उसके अंदर भी यूज़ कर रहा है। अब सैमसंग को एक बात जो है वो समझ लेनी चाहिए कि इंडिया में लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए। यहाँ पर गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं,
एवरीबडी आज की भैया परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, कैसी परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से ही लोग खरीदते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर सैमसंग ने स्नैपड्रैगन 700 सीरीज के प्रोसेसर को लॉन्च किया होता M31S के साथ और 16,000 रुपए के आसपास की रेंज रखी होती, तो आज Realme 6 सीरीज को छोड़ के, Redmi Note 9 सीरीज को छोड़ के, Poco X2 को छोड़ के बहुत सारे लोग जो है वो सैमसंग M31S को खरीदते। क्या आप भी यही मानते तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटीमेंट्स जो है वो अब सैमसंग के साथ है और ऐसे में सैमसंग को फायदा उठाना चाहिए था इस बात का, लेकिन ये बिजनेसमैन वाली बिल्कुल सोच लेके चल रहा है सैमसंग कि अपने ही एक्सिनोस प्रोसेसर को प्रमोट करूंगा, प्राइस भी वही रखूंगा, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मार्केट कैप्चर हो जाएगी अगर मैंने ठीक प्राइस रखा। तो ऐसे में 19,500 रुपए के प्राइस पे डेफिनेटली मैं इस फोन को ओवर प्राइस की कैटेगरी में रखता हूं। और कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि एक 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी सैमसंग को लॉन्च करना चाहिए था 16,000 रुपए के आसपास की रेंज के अंदर। लोगों को उम्मीद थी कि शायद ऐसा कुछ होगा, पर अब पछतावत हो क्या, जब चिड़िया चुग गई, पूरा का पूरा खेत एक दाना भी नहीं छोड़ा, अब तो लॉन्च हो चुका है, अब तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आपका क्या है कहना मुझे नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी नज़र में आज भी सैमसंग गैलेक्सी M31 एक अच्छा ऑप्शन है 16,000 रुपए की रेंज के अंदर। शायद ये फ़ोन थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड हो गया, मुझे थोड़े से कम प्राइस की उम्मीद थी। अगर आप ऐसी अनबायस्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।